दोस्तों, महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन राज ठाकरे जी ये सख्त डिमांड कर रहे हैं कि अगले जो एमएलएस के इलेक्शंस होने वाले हैं वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से किया जाए। ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिटिशियंस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो अभी चांसेस है कि बैलेट पेपर पर वोटिंग हो। लेकिन दोस्तों, चाहे वोटिंग पेपर पर ही हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बीजेपी ही जीतने वाली है इस बार भी, क्योंकि बीजेपी ने इतनी दरारें पैदा कर दी है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और मुसलमानों को इस लेवल में विलन बना के छोड़ दिया है कि हिंदू भाई मुसलमानों की नफरत में बीजेपी को वोट कर देंगे। इतनी दरारें पैदा कर दी है हिंदू और मुसलमानों के बीच में बीजेपी ने, क्योंकि आपने देखा होगा उनके चैनल्स में हमेशा एक हिंदू और मुसलमान को बिठा देते हैं, दोनों को खूब लड़ाते हैं मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे। हमेशा उनके चैनल टॉपिक्स हिंदू मुस्लिम पर ही होते हैं। रिसेंटली ज़ायरा वसीम का जो इशू हुआ, उस इशू को भी बड़ा कर दिया था गोदी मीडिया ने, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का इशू है। तो पूरी तरह से बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दरारें पैदा कर दी है, और ऐसे साबित कर दिया है कि मुसलमान एक बहुत बड़ा विलन है। तो हिंदू भाई मुसलमानों की नफरत में ही बीजेपी को वोट कर देंगे, और दरारें पैदा हो गई है इसके सबूत भी आप देख सकते हो। कहीं दिल्ली में मंदिर को तोड़ा जा रहा है, कहीं तबरेज अंसारी को मार दिया जा रहा है। ये सारे जो मजहबी झगड़े हैं, ये वही दरारें हैं जो गोदी मीडिया ने पैदा की है। थैंक यू सो मच गाइस।